विवाह से हम सीख सकते हैं कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। अगर किसी भी कार्य को आप अपने रिश्तेदारों मित्रों के साथ निरंतर उसका व्याख्यान करेंगे तो कोई कहेगा यह गलत है, कोई सही है, यह इस टाइम पर नहीं होना चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम बच्चे हो। अगर किसी से सलाह लेना चाहते हो तो अपने मन से अपने माता पिता और अपने गुरु के अलावा किसी के पास मत जाइए। जब विवाह करना होता है आपको तब अपने माता पिता गुरु और अपने सगे संबंधियों के अलावा आप किसी से समस्या का समाधान नहीं करते, पूरे मोहल्ले में जाके हर एक से राय नहीं लेते कि मुझे किससे विवाह करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर मान लो आपने कर भी दिया तो आप सारी जिंदगी कुंवारे ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास, आपके मित्रों के पास वह टाइम नहीं होगा जो आपकी शादी का है। परंतु यह भी सत्य है कि जो आप शादी में टाइम देते हैं उसमें आपके सारे रिश्तेदार और मित्र जरूर आते हैं। अगर उनसे पूछने लगे तो सारी जिंदगी कुंवारे रह जाएंगे। उसी प्रकार से जब बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी से ना पूछें, अपने आप स्वयं से पूछें क्या गलत है क्या अच्छा है। सही गलत का निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, सबसे अच्छा विश्लेषण आप कर सकते हैं, सबसे अच्छे विशेषज्ञ आप ही हैं। दूसरे आपको भटका देंगे, यह कार्य गलत है, इसमें नुकसान, प्रॉफिट, लाभ, हानि सब कुछ हो जाएगा, बिजनेस शुरू होने से पहले ही अंत हो जाएगा। जिस चीज का कोर्स करना चाहते हैं वह भी अंत हो जाएगा। जीवन में कोई ठोस निर्णय लेना चाहते हैं वह भी समस्याएं घेरती ही जाएंगी। अपने मन को काबू में करें, अपने मन को ठोस रखें, विजय आपकी होगी। जिस प्रकार से विवाह में आप किसी से नहीं समस्या का समाधान मांगते हैं उसी प्रकार से जीवन की हर एक समस्या का समाधान आपके पास ही है।